Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 7. Now I am starting today's lecture. Exercise 11b, question number 3. Divide rupees 300 between Hina and Reena. Divide karna rupees 300 ko Hina aur Reena ke darmiyan. So that Reena gets rupees 100 less than 3 times. Taaki jo Reena hai wo get karti hai rupees 100 less than 3 times है जो amount that Hina gets, वो amount के जो Hina get करती है. First of all तो students let करेंगे इसमें, let Hina gets is equal to x, Reena gets, Reena students 3 time get करती है, Reena gets is equal to 3x, इसमें से students 100 को minus कर देंगे, 3x less than का मतलब minus 100, और students total amount given है rupees 300 की equal, total amount is equal to rupees 300. अब students जो Hina get करती है और Reena get करती है, इन दोनों values को add कर लेंगे. According to given condition, इन दोनों students Hina gets और Reena gets, इन दोनों को add कर लेंगे. X plus 3X minus 100 x plus 3x minus 100, ये students total equal है, total amount 300 के. अब students add करेंगे x और 3x को, तो ये equal आएगा, 4x minus 100 is equal to 300. अब students 100 minus और left side पे, right side पे जाके ये plus में change हो जाएगा, 4x is equal to 300 plus 100. Last time students अब इनको add करेंगे, first of all 4x is equal to 400 आ जाएगा. अब students हमने x की value find करनी है, 4 divide हो जाएगा right side पे आगे, 400 divided by 4. Last time students divide करेंगे तो x की value equal आ जाएगी 100 के. अब students हमने let किया था, Hina gets करती है x, Hina gets, last पे students write करेंगे Hina gets Hina gets is equal to x is equal to, तो students x की value हमने find किया 100 के equal, तो rupees 100 Hina gets करती है. Reena gets is equal to 3x minus 100, ये students हमने let किया था, 3x minus 100. अब students x की जगह पे 100 put करेंगे, 3 into 100 minus 100. अब students 3 को 100 से multiply करेंगे, 300 minus 100. तो अब students last step में subtract करेंगे, तो Reena get करेगी students, Reena gets, Reena gets is equal to, तो students Reena get करेगी rupees 200 के. तो students ये इसका answer आ गया, Hina get करती है rupees 100 और Reena get करती है rupees 200. Next है question number 4. Students इसमें आपकी statement में थोड़ी सी, आपकी स्टेटमेंट ये थोड़ी सी रॉन्ग है. रुपीस 144 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स. रुपीस 144 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 बॉयज और 3 गर्ल्स में, इन सच अ वे दैट, इस तरीके से दैट ईच बॉय, यहां पे स्टूडेंट्स आपकी स्टेटमेंट में बुक में लिखा है वो रॉन्ग है, यहां से ईच गर्ल गेट्स 3 टाइम्स, तो स्टूडेंट्स यहां पे आता है ईच बॉय गेट्स 3 टाइम्स. ईच बॉय गेट्स 3 टाइम्स एज मच एज ईच गर्ल गेट्स, हर बॉय गेट करता है 3 टाइम, 3 गुना ज्यादा जो हर गर्ल गेट करती है. फाइंड हाउ मच ईच बॉय शुड गेट, तो अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है कि हर बॉय कितना गेट करता है. ये स्टेटमेंट आपकी यहां से रॉन्ग है, ईच गर्ल गेट्स 3 टाइम्स एज मच एज ईच बॉय गेट्स, फर्स्ट में स्टूडेंट्स बॉय आता है और लास्ट में गर्ल आता है, ये चेंज कर लेना आप स्टेटमेंट. लेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, लेट each share of let share of each girl is equal to x, share of each boy is equal to 3x. Ab students 2 boys or 3 girls total amount given as students total amount is equal to rupees 144. अब students total share of 2 boys
एंड थ्री गर्ल्स इज इक्वल टू टू इंटू स्टूडेंट्स बॉयज का हमने शेयर लेट किया है, ये शेयर ऑफ ईच बॉय वो इक्वल है 3x के, 2 इंटू 3x प्लस और स्टूडेंट्स शेयर ऑफ ईच का लेट किया हमने x के इक्वल 3 इंटू x। अब स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट का मतलब ये मल्टीप्लाई हो रही है टू वैल्यूज, 2 इंटू 3, 2 3 इज आर 6x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x, तो ये स्टूडेंट्स इक्वल आ जाएगा 9x के। अब स्टूडेंट्स जो टोटल शेयर है टू बॉयज और थ्री गर्ल्स का 9x के इक्वल आया, 9x इज इक्वल टू 144 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 9x इज इक्वल टू 144। अब स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 9 राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 9, तो स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू इक्वल आ जाएगी ₹16 के। स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो x की वैल्यू आएगी 16 के। अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लेट किया शेयर ऑफ ईच कर्ल x के इक्वल है, तो स्टूडेंट्स पुट कर देंगे x की वैल्यू शेयर ऑफ ईच कर्ल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ₹16। स्टूडेंट्स शेयर होता है रुपीज़ में, तो ₹16 शेयर है हर गर्ल का। शेयर ऑफ ईच बॉय इज इक्वल टू 3x, तो स्टूडेंट्स 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 18 से, 3 इंटू 16 है स्टूडेंट्स, सॉरी x की वैल्यू 16 के इक्वल है 3 इंटू 16, इसका मतलब 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 से, तो शेयर ऑफ ईच बॉय वो इक्वल होगा ₹48 के। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स ये आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ₹144 को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग टू बॉयज और थ्री गर्ल्स में इन सच अ वे दैट ईच, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपकी स्टेटमेंट में बुक में राइट किया हुआ है ईच गर्ल, उसकी जगह आता है ईच बॉय गेट्स 3 टाइम्स एज मच एज ईच गर्ल गेट्स, फाइंड हाउ मच ईच बॉय शुड गेट। इसमें हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है कि हर बॉय कितना गेट करता है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट करेंगे लेट शेयर ऑफ ईच गर्ल इज इक्वल टू एक्स, और शेयर ऑफ ईच बॉय स्टूडेंट्स 3 गुना ज़्यादा शेयर है बॉयज़ का, तो शेयर ऑफ ईच बॉय वो इक्वल है 3x के। टोटल अमाउंट गिवन है स्टूडेंट्स ₹144 के, टोटल शेयर ऑफ टू बॉयज़ एंड थ्री गर्ल्स फाइंड करना है, 2 इंटू शेयर ऑफ ईच बॉय लेट किया 3x के, 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 3 इंटू एक्स, इनका मतलब कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 2 मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 6x प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया x से 3x के इक्वल आ गया, इनको स्टूडेंट्स ऐड किया तो ये 9x के इक्वल आ गया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 9x इक्वल है टोटल अमाउंट ₹144 के। अब स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है 144, तो 9 डिवाइड हो गया राइट साइड पे आके, लास्ट टाइम में स्टूडेंट्स डिवाइड किया x की वैल्यू आ गया इक्वल 16 के। शेयर ऑफ ईच गर्ल इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमने ये लेट किया था शेयर ऑफ ईच गर्ल x के इक्वल है, तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स शेयर ऑफ ईच गर्ल ₹16 है। अब शेयर ऑफ ईच बॉय हमने लेट किया था स्टूडेंट्स 3x के, तो स्टूडेंट्स 3 इंटू 16, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 16 से, 16 आर 48, तो शेयर ऑफ ईच बॉय है इक्वल ₹48 के। स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 11B हैव बीन कंप्लीटेड, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दीज टू क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 11B देन यू विल कमेंट मी, इफ यू लाइक माय वर्क प्लीज लाइक माय वीडियो, मे अल्लाह ऑलमाइटी ब्लेस यू ऑल विद हिज स्वीटेस्ट ब्लेसिंग्स, अल्लाह हाफिज़।